लगातार ज्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला, किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को। नमस्कार, मैं पीस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स के माध्यम से ट्वीट करते हुए बिहार सरकार को घेरा था आज, लेकिन आज कोलकाता जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि बिहार में यादव समाज को, लोगों को टारगेट करके उन्हें गोली मारी जा रही है। बिहार सरकार को बढ़ते हुए अपराध की घटनाएं को समीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें, लगातार जो गोली मारने की वारदात है, इसको लेकर तेजस्वी यादव सरकार पे सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने छपरा मामले को लेकर साफ कर दिया है कि जिस तरह से अधिवक्ता और उनके पुत्र को गोली मारी गई, उससे पहले भी जिस तरह से हत्याएं हुई चुनाव के समय, उसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यादव समाज को इस सरकार में घेरा जा रहा है, उसे गोली मारी जा रही है और टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनके बयानों को सुने। सवाल है, आपने लॉ एंड ऑर्डर लेकर कुछ बातें आज कही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। सर छोड़िए, बीच में कर दिए सर। सरकार को मानना, जो सामने है वो सबके सामने है। इस प्रकार से लगातार अभियान चल रही है, लगातार हत्याएं, ये साफ दिखाता है कि कानून जो है पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। सरकार जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, लगातार ज़्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है, यह पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है, किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें, इसकी समीक्षा करें, दोषियों पर कार्रवाई करें। नीट का जो पेपर को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है सर, नीट को लेकर। तो आपने साफ तौर पर सुना, तेजस्वी यादव सरकार को साफ साफ बता रहे हैं कि यादव समाज को टारगेट करके इस सरकार में, एनडीए की सरकार में गोली मारी जा रही है। बिहार में बढ़ते हुए अपराध के घटनाओं को सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही कहा, बिहार में जंगल राज आ गया है। बहरहाल सुनने इतना ही, इसे तमाम ग्रुप के साथ बने रहे, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।